सन 2018 में साउथ अफ्रीका का केप टाउन शहर, जहां 40 लाख लोग रहते हैं, वहां पानी लगभग पूरी तरह से सूख गया। सन 2019 में चेन्नई, जहां 89 लाख लोग रहते हैं, वहां पानी खत्म हो गया। सन 2017 में कैलिफोर्निया ने पिछले 1200 सालों के सबसे बुरे सूखे का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के 40 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। एक सरकारी अध्ययन के अनुसार 21 भारतीय शहरों में सन 2020 तक भूजल खत्म हो जाएगा। कई देश भविष्य में पानी पर होने वाले युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। यह हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, यह आज की सच्चाई है। यह वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। यही समय है कदम उठाने का, वरना जो दुनिया हम अपने बच्चों को भेंट करेंगे उसमें पानी की कमी, संघर्ष और नागरिकों में टकराव होगा। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल तरीका कि हमारे पास पर्याप्त पानी हो, वो है पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पोरस यानी छेददार बनाती हैं, ताकि मिट्टी पानी को सोख सके, और फिर वही पानी धीरे धीरे हमारी नदियों में प्रवेश करता है। इससे बाढ़ और सूखे का खतरा भी कम होता है। हम हमेशा पानी को एक बुनियादी जरूरत मानते आए हैं। अगर हम ऐसी दुनिया नहीं चाहते जिसमें पानी बेहद कीमती चीज बन जाए, तो कदम उठाने का समय आ गया है। और अब जरूरत है पेड़ लगाने की और हमारी नदियों को पुनर्जीवित करने की। कावेरी पुकारे एक अभियान है जिसमें कावेरी नदी को बचाने के लिए 242 करोड़ पेड़ कावेरी घाटी में लगाए जाएंगे। 42 रुपए प्रति पेड़ का योगदान देकर इस अभियान से जुड़ें। कावेरी कॉलिंग.org पर योगदान दें।